आज हम बात करते हैं एक्मो सपोर्ट और उसके एडवांटेजेस की, जो कि हम निमोनिया के पेशेंट्स में ऑफर कर सकते हैं। कुछ एडवांस निमोनियाज जैसे कि H1N1 निमोनिया या कुछ और तरह के निमोनिया जिनका कि मौसम अभी आने वाला है, उनमें जो है पेशेंट की हालत कई बार इतनी गंभीर हो जाती है कि कुछ समय के वेंटिलेटर सपोर्ट के बाद भी हार्ट लंग्स फेल करने लगते हैं और उनको बचा पाने का कोई तरीका नहीं होता। ऐसे समय में ECMO का सपोर्ट बहुत हेल्पफुल रहता है और अर्ली सपोर्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जानना जरूरी है कि ECMO, जो कि आर्टिफिशियल हार्ट लंग सपोर्ट सिस्टम है, वो ऐसे निमोनिया वाले पेशेंट्स में कब लगाया जाए और कब उसका एडवांटेज है। ये तभी जो है अच्छे से जो है काम कर पाता है जबकि इसको टाइम रहते हुए लगाया जाए। अगर बहुत दिन तक वेंटिलेटर पे पेशेंट्स हैं तो उनके लंग्स खराब इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उनको वापस लाने का कोई तरीका नहीं बचता है। तो जब पेशेंट्स जो है इतने ज़्यादा उनको लंग्स उनका संक्रमित होने लगे कि उनका ऑक्सीजन लेवल कम होने लगे कि वो वेंटिलेटर पे आ रहे हैं या आने वाले हैं या 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और आगे प्रोग्रेस नहीं हो रही है, ये टाइम होता है जबकि ऐसे पेशेंट्स ICU से हमारे पास रेफर होके आते हैं। तो इन पेशेंट का रेफरल का टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो है पेशेंट्स के अटेंडेंट्स या पेशेंट के नाते रिश्तेदार या जो है ICU की टीम जो है हमारी ECMO टीम से संपर्क करे कि क्या इन पेशेंट्स को ECMO पे रखने का फायदा है। और अगर हमारी टीम को लगता है कि ये करेक्ट टाइम है और डेफिनेटली इस पेशेंट को बचाया जा सकता है तो हम एकॉर्ड हॉस्पिटल में रिट्रीवल ECMO भी करते हैं। रिट्रीवल ECMO का मतलब होता है कि हम ECMO पूरा इक्विपमेंट और सपोर्ट सिस्टम और पूरी टीम जाकर के उस ICU में जो कि एक दूसरे अस्पताल में है वहाँ पे ECMO लगा करके पेशेंट को यहाँ पे लाया जा सकता है और आगे की प्रक्रिया की जा सकती है।